Assalamualaikum guys, my name is Iman Hassan and today I am making this video jisme I'm going to be exploring the whole of Malikan. Why Malikan? Because pehli baat ye hai ki main yahan rehti hu aur dusri baat ye hai ki jab main yahan nahi rehti thi to like all of you guys I had this whole concept ki yaar Malikan bahut dur hai, yahan pe pata nahi kaun se log rehte hain, koi deserted area hai, but aisa kuch bhi nahi hai. So like let's get started. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. तो अब हम अस्करी 5 से निकल के कैंट बाजार जा रहे हैं और this is the whole view. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. Guys, right now we are at Four Dots Shopping Complex. So, as you can see, बहुत ही सारी shops हैं यहाँ पे मज़े मज़े की. Plus यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी setup हुआ है. तो this place actually gives me वो मड़ी की माल रोड वाली जो एक वाइब होती है ना. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Stadium.
यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत दोस्त भी हैं। अच्छा, और यहाँ सब लोग किस तरह कॉर्पोरेट कर रहे हैं आपके साथ? बहुत अच्छे। और आपका कोच कौन है? सर यासीन है। और वो किस तरह मतलब आपके साथ कॉपरेट करते हैं, फ्रेंडली हैं, कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छे हैं और वो फ्रेंडली हैं। और आपको मतलब SOPs कैसे फॉलो करवा रहे हैं, मतलब स्ट्रिक्टनेस है या नहीं है? जी अच्छी है। तो आपको मतलब यहाँ पे ओवरऑल मतलब अच्छा लग रहा है आपको, है ना? थैंक यू। ये भी अंडर 10 के प्लेयर हैं, इन लोग से भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपका क्या नाम है? पूजा। आपका? अयान। आपका? दुआ। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। मतलब क्या अच्छा? मतलब आपने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे खेलते। तो आपको शौक है फुटबॉल? तो पेरेंट्स ने मतलब सपोर्ट किया आपको या आप लोग जो आपके रूटीन में चेंजेस आए? अच्छा, और आप बताएं आपने कब ज्वाइन किया यहाँ पे? मुझे 2 महीने हुए। अच्छा, आप कितने साल के हो? 8 ईयर्स के। और आप स्कूल जाते हो? और यहाँ पे सब लोग आपको कैसे लगते हैं? SOPs फॉलो होती हैं यहाँ पर? ठीक है। और ये एक लड़की भी है यहाँ पे, एक गर्ल। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपने कब ज्वाइन किया? 2 मंथ्स हो गए आपको। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको मज़ा आता है? और कोचिंग कौन कराता है आपको? सर यासीन। और बाकी सब लोग यहाँ कैसे हैं? और आप फुटबॉल के अकेडमी में आके आपकी लाइफ में क्या 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 चेंजेस आए? और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं? ये एक बहुत अच्छी स्पिरिट है कि एक लड़की होने के बावजूद भी इनके पेरेंट्स इनको फुटबॉल के लिए इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी बच्चों की राय। अब हम चलते हैं, अब आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। मोहम्मद खान, जहांगीर मेमोरियल फुटबॉल एकेडमी के फाउंडर एंड ओनर। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका ये बनाने का मकसद क्या था? ये हमारे मकसद ये था मेरा कि इस ग्राउंड बनाने के लिए हमने बड़ी मॉडर्न हमें आई है। मैं खुद भी फुटबॉल प्लेयर हूँ जी, और इस टाउन से बिलोंग करता हूँ, जिस ग्राउंड के अंदर जिस इलाके में ग्राउंड है इस टाउन से बिलोंग करता हूँ। मेरी विलेज भी इधर इस इलाके की है। जब फुटबॉल में खेलता था स्कूल कॉलेज के दौर में 97-98 की बात है, जैसे नौरदाबाद के अंदर कोई ऐसे ग्राउंड नहीं थे, हालात भी खराब रहते थे। ठीक है, कोई ऐसे ग्राउंड नहीं थे यहाँ पे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी हो। ठीक है, धूप उसके बिल्कुल मट्टी ग्राउंड थे, बड़े लोग अपने बच्चों को भेजने में डरते थे हालात की वजह से। जी, मैंने ये इनिशिएटिव लिया। देखिए, हमें खुद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था, जो चीज़ें आसाइश हमें नहीं मिली हम ये चाहते थे कि इस ग्राउंड के ज़रिए कोई ऐसी जगह ली जाए जहाँ पर बच्चों को एक अच्छा माहौल भी दिया जाए, ताकि सिर्फ फुटबॉल खेला जाए ताकि एक अच्छा माहौल दिया जाए। ठीक है, और कंपाउंड वॉल में खिलाया जाए ताकि लोग अपने बच्चों को, चाहे वो अमीर बच्चा हो या गरीब बच्चा हो, हर बच्चा इस ग्राउंड में खेलता है। ठीक है, एक नॉमिनल चार्जेस में हम खिलाते हैं बच्चों को, गरीब बच्चे फ्री खेलते हैं हमारे, अमीर बच्चों में हम सिर्फ 500 रुपये में देते हैं। तो ये आज के दौर में एक समझ में फ्री हर चीज़ हमने बच्चों को दी हुई है, बच्चे हुई है ताकि बच्चे सीखें। और फिर इस अकेडमीज हमारे अंडर 16, अंडर 13, अंडर 10 और अंडर 19 चार ग्रुप्स हैं। ऑफिशियल कोचेज प्रोफेशनल कोचेज हमारे यहाँ कोचिंग करते हैं, कोचेज बच्चों को सिखाते हैं, जो खुद भी प्रोफेशनल प्लेयर थे पाकिस्तान के, जहाँजेब हैं, सर यासीन हैं, इनके जरिए बच्चों को सिखाते हैं। और ये बच्चे फिर हम आगे हमारे टाइम टू टाइम जो है कोशिश करते हैं कि वो बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, कराची को रिप्रेजेंट करें और डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें और इस अकेडमी का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने एक कराची की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू जगह को एक्सप्लोर किया है और बहुत से बच्चों से पूछा और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी दिखाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।